दोस्तों, क्या आप अपने इंस्टाग्राम ऐप से फोटो, वीडियो या फिर कोई पोस्ट डिलीट कर दिए और आप उस पोस्ट को फिर से वापस लाना चाहते हैं, उसे आप रिकवर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर आज के इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपने फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर इंस्टाग्राम से कोई फोटो या फिर वीडियो या फिर कोई पोस्ट डिलीट हो जाए तो उसे हम कैसे वापस ला सकते हैं। इसके लिए आप अपने फोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कीजिएगा। आप अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन कीजिएगा और इंस्टाग्राम ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये मेरे अकाउंट में इतने फोटो हैं, यहाँ से मैं एक इस फोटो को डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके हम यहाँ से इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। और दोस्तों, अब यहाँ से मैं आपको दिखलाऊंगा कि यहाँ से अब इस फोटो को कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिकवर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक जैसे ही करते तो यहाँ पे ऊपर में आपको तीन लाइन दिखलाई देते होंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, और तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अकाउंट पे, और यहाँ पे आप स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रिसेंटली डिलीटेड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो रिसेंटली डिलीट पे मैं जैसे ही क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो फोटो अभी अभी हम डिलीट किए थे यहाँ पे ये आ चुका है। दोस्तों, अगर आपके फोन में रिसेंटली डिलीट वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को एक बार अपडेट कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे रिकवर करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे इस तीन बिंदु पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे रीस्टोर पे हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, आपके फोन में हो सकता है कि आप अगर पहली बार इसे यूज करें तो हो सकता है कि आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे एक बार ओटीपी भेज कर वेरीफाई करे कि आप ही रियल ओनर है, उसके बाद आप इसे रीस्टोर कर पाइएगा। और इसके बाद यहाँ पे इसे रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रीस्टोर पे। तो यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा कि आप ही रियल ओनर है इस अकाउंट का। तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे या फिर आप अपने ईमेल आईडी पे ओटीपी के जरिए आपको वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल पर टिक कराने दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करें नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस फोन पे एक ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को यहाँ पे डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए ये ओटीपी आ चुका है और इस ओटीपी को हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। ओटीपी डाल देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा कन्फर्म। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आप जो भी फोटो, वीडियो या फिर कोई पोस्ट को डिलीट करते हैं तो यहाँ पे ये 30 दिन रहता है और 30 दिन के बाद यहाँ से खुद से ये डिलीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बार फिर से क्लिक करना होगा इस फोटो पे और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस तीन बिंदु पे और फिर से क्लिक कर दीजिएगा रीस्टोर। इसके बाद फाइनली आप यहां पे क्लिक कर दीजिएगा रीस्टोर पे। तो ये अब आपकी फोटो जहां से डिलीट हुआ था वहीं पे जाके सेव हो जाता है। तो यहां से हम आते हैं बैक और फिर से हम क्लिक करते हैं अपनी प्रोफाइल पे। तो देखिए यहां पे ये मेरी फोटो जो पहले डिलीट हुआ था अब यहां पे ये आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा अब फोटो रिकवर हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।